नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से रोहित सरदाना की निधन की एक इंसाफ की आवाज़ उठ रही है, हर तरफ ये बात हो रही है कि नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ उच्च स्तरीय जांच की जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बने जो जांच करे कि रोहित सरदाना को क्या क्या मेडिसिन दी गई, डॉक्टरों ने किस प्रकार से उनके इलाज में लापरवाही बरती है। इसको लेकर के बहुत ही बड़ी एक पूरे भारत से सोशल मीडिया पे, ट्विटर के अंदर एक ट्रेंड हो रहा है और मांग उठ रही है कि उनकी हत्या की, सॉरी, उनके निधन की एक पूरी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की जाए। हत्या अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, अब तो जांच के बाद ये पता चलेगा कि इसमें अब क्या है, क्या खुल करके सामने आता है। इसी में संजू देवी जो विधायक हैं टांडा विधानसभा से, उन्होंने भी एक मांग करी है, उन्होंने भी कहा है कि इसका एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर करके ये बात कही है, मैं आपको उनके ट्वीट्स बताता हूँ। उनका ट्वीट है, अभी 15 मिनट पहले आया है कि आई डिमांड हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा फॉर मेडिकल नेगलिजेंसी इन रोहित सरदाना डेथ। उसके थोड़ी देर के बाद एक और उनका ट्वीट आ रहा है जिसमें उन्होंने नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल के ऊपर FIR करने की मांग की है। उनका ये कहना है, NFIR मस्ट बी लॉज अगेंस्ट द डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल टीम मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा हु इज लाइबल फॉर मेडिकल निगलेंसी विच काउज डेथ ऑफ रोहित सरदाना। तो हर तरफ से ये बात उठ रही है। अभी थोड़ी देर पहले विधायक भूपेश चौबे ने भी ट्वीट करके ये मांग करी है कि नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और रोहित सरदाना का जो निधन हुआ है उसकी कहीं ना कहीं सभी को ये डाउट है कि इसमें नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही है। इसको लेकर के काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं, काफ़ी लोग की डिमांड आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा के खिलाफ FIR हो। जय हिंद।